तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं दिख रही हूँ इस व्लॉग में, क्योंकि आज मैंने स्टार्ट कर लिया है ये व्लॉग। और क्योंकि कल मैं गोवा जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कहाँ से कैसे यहाँ से जाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एक्चुअली मुझे निकलना आज ही था, क्योंकि कल यहाँ पे छुट्टी है और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है बैंक की। पर प्रॉब्लम ये हो गया कि ऑफिस में ऑलरेडी एक स्टाफ है जिन्होंने छुट्टी लगा दी थी पहले ही, और मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने टिकट्स वगैरह सब आज के ही बुक कर लिए थे। मुझे आज 5 बजे शाम को निकलना था ऑफिस से, पर वो नहीं आए, तो मुझे मौका नहीं मिला मुझे कि आज मैं जल्दी निकल पाऊँ। सो मैं आज नहीं जा रही हूँ, पर मैंने फिर कल सुबह मॉर्निंग का टिकट बुक किया। वो भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ा, तत्काल वगैरह अप्लाई करके मुझे टिकट्स मिली है। फिर मैंने सोचा था पहले कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से ट्रेन 5 बजे रात में शाम में है, वहाँ पे सुबह 3-4 बजे पहुँचाती है वास्को। तो मैं सोची कि कल का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने कहीं ट्रेन सर्च किया कि कैसे कैसे कनेक्टिंग कुछ है, मिलता है कि नहीं। तो फिर मुझे मैंगलोर से ट्रेन मिली है, जो कि मैंगलोर से वहाँ से तकरीबन 12-1 बजे ट्रेन है वहाँ से, और फिर वहाँ वो 4 या 4.5 घंटे में वास्को उतार देगी। तो मुझे यहाँ से मैंगलोर जाने में भी 2-3 मैक्सिमम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। वहाँ से 2-3-4 घंटे लगेंगे मुझे वास्को जाने में। सो मैंने फिर जल्दी जल्दी तत्काल टिकट बुक किया, और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई हूँ। मुझे पैकिंग करनी है। एक्चुअली लड़की लोग को ट्रैवल करना नॉट अ बिग डील, बट अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो, और अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ा रिस्क होता है। बट आई एम गेट यूज टू हो गई हूँ मैं इस सब चीज़ों से। सो आप बने रहिए इस व्लॉग में, क्योंकि मैं आपको दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी। और पैकिंग चालू है। एक्चुअली मैं 3 दिन के लिए ही, 3 या 4 दिन के लिए ही जा रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेके जाती हूँ। ऐसे तो सारे कपड़े मैं वहीं रखती हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऑफिस वेयर ही कपड़े यूज़ करने वाले ही रखती हूँ। बाकी जितने भी कपड़े हैं मैं वहाँ पे ही रखती हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है, तो मैं ज़्यादा सामान यहाँ नहीं रखती हूँ। इनफैक्ट मैं जब भी कभी कभी थोड़े टाइम के लिए वहाँ जाती हूँ, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें वहाँ ले जाके रख देती हूँ, ताकि जब वो टाइम आए कि मुझे यहाँ से सच में हमेशा के लिए जाना है, तो मेरे पास ज़्यादा सामान ना हो। तो बेसिकली मैं जाने, मैंने अपना सारा सामान एक जगह रख लिया है, जो जो मैं वहाँ लेके जाना चाहती हूँ। मैंने मेरे वहाँ पे ज़्यादातर, मैंने बोला आपको कि सूट्स वगैरह मैं यहीं पे रखी हूँ। वहाँ पे कुछ कुछ ही सूट्स है जो है, इसलिए मैं 2-3 सूट्स भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि संडे के दिन वहाँ पे मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके जाने वाली हूँ, और इन सब में से कुछ चीज़ें हैं जो मैं वहीं पे मतलब रखने वाली हूँ, वापस लेके नहीं आने वाली हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें, ये सारे नए हैं जो बस ऐसे ही, जिसका मैंने अभी तक टैग भी नहीं निकाला है। ये सारे कपड़े मैं वहीं पे छोड़ने वाली हूँ ये सारे। फाइनली मेरा बैग तैयार है, इसी में मैं सारे अपने कपड़े रखने वाली हूँ जो कि मैं वहाँ लेके जाऊँगी। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इन सारी चीज़ों से जो मुझे वहाँ पे काम आएंगे, जो मुझे रास्ते में नहीं ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारे कपड़े या कुछ चीज़ें जो मैं अंदर रख रही हूँ। सारे कपड़े डाल रही हूँ मैं, और ये जो बैग है ये मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये है दिखने में बस छोटा लगता है, पर इसमें बहुत सारे सामान रख जाते हैं। इनफैक्ट मतलब सच में ये ट्रैवल पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बैग बहुत पसंद है। एक ही बैग टांगो और निकल दो, किसी हैंड बैग का भी कुछ कोई चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये बैग ही काफ़ी है अगर आप अलोन ट्रैवल कर रहे हो तो। ये रहा मेरा सारा, मैंने इसमें कुछ कुछ मेकअप्स रखे हैं जो मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। मैंने कहा ना मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं है, मेरे यही सब सारे चीज़ें हैं जो ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि प्रॉब्लम करती है। इनफैक्ट ये हो गया, ये भी मुझे वहीं काम आएगा, इसलिए मैं इसको भी अंदर अच्छे से रख दे रही हूँ। इसमें मेरे सारे ब्रशेस वगैरह हैं मेकअप के कुछ कुछ, और इसमें हमारे लिपस्टिक्स है, कुछ शेड्स वगैरह मैंने रखे हैं। तो ये मेरे, ये भी मैं वहीं यूज़ करूँगी। ये भी मैं लेके जा रही हूँ, ये हेयर ड्रायर है, बिकॉज
मैं इसको भी वहीं छोड़ने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे भी लेके जा रही हूँ। और ये टॉयल हो गया मेरा, और ये शॉल। अगर वहाँ पे रास्ते में मैं उधर से, मेरा रिटर्निंग का टिकट है जो नाइट में होता है, तो उसके लिए मैं ये शॉल लेके जा रही हूँ। सो मैं अपना हैंड बैग भी सोच रही हूँ, जो मैं हैंड में कैरी करने वाली हूँ, उसको भी अच्छे से फिल कर दूँ, जो जो मुझे ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होगा। ये मेरा वॉलेट इसी में जाएगा। अभी हमारी आदत हो चुकी है, जहाँ भी जाओ तो हैंड सैनिटाइज़र लेके जाओ, तो ये हैंड सैनिटाइज़र भी। और कभी कभी मुझे ट्रैवल करती हूँ तो मुझे सर में बहुत दर्द होता है, तो इसके लिए मैं ये भी हमेशा कैरी करती हूँ अपने पास, कुछ टिश्यूज़ वगैरह। और ये मेरे लेंसेज हो गए, जो मैं मे भी यूज़ करूँ वहाँ पे, तो इसे भी मैं इसी में कहीं पे रख लेती हूँ। और बाकी इसमें और भी सामान जाएंगे, जैसे फ़ोन के चार्जर, जो मैं अभी नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़ोन्स वगैरह चार्ज करने हैं। और मेरे दोनों फ़ोन्स इसमें रहेंगे, मैं इसी में रखूँगी। फिर घर की चाबियाँ वगैरह भी मैं इसी में रख के लेके जाऊँगी। सो फाइनली यही है, मैंने कहा था मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब चीज़ें पैक करने में, क्योंकि मुझे मेरे पास उतने सामान नहीं होते हैं कि मुझे लेके जाने हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही होती है जो मैं लेके जाती हूँ वहाँ पे। सो ऑलमोस्ट ये रहा मेरा बैग, ये तैयार हो गया है। अब मैं तैयारी करूँगी कल के लिए, कुछ सुबह में निकलना है मुझे, तो पॉसिबल तो है नहीं कि मैं सुबह सुबह उठ के कुछ बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कुछ बनाती हूँ अभी, अगर मेरा मन करेगा तो, क्योंकि मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ और मैं यही सब मैं करने लग गई हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं ऑफिस से आके ही यही सब करने लगी, तैयारी वगैरह जो भी पैकिंग वगैरह थे थोड़े बहुत, वो मैंने करने में बिज़ी हो गई। और अभी फ़िलहाल 7:30 बज रहे हैं और मैं ऑफिस से ही आज लेट आई थी, क्योंकि स्टाफ नहीं था कोई भी, सब छुट्टी पे थे, तो थोड़ा लेट हो गया काम करते करते, तो 6:30 बजे ही मैं आई थी। और इन सब चीज़ों में 1 घंटा टाइम बीत गया, और मुझे बहुत अभी काम है, तो मैं वो सारे काम करती हूँ, देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, या फिर मैं अपना कपड़े वगैरह है जो मैं वो धोऊँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। फिर कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे ही ट्रेन है मेरी, तो यही सब के चक्कर में मैं सो ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए, कपड़े भी धो लिए, खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। सुबह में मैंने बनाया था, पराठा बनाया था और आलू गोभी का भुंजिया बनाया था। पराठा बचा हुआ है तो चाय बनाऊंगी और उसी के साथ खा लूंगी, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी कुछ बनाने का। और सुबह खाने के लिए भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि घर में झाड़ू वगैरह लगाना था, साफ़ सफाई करने लगी मैं, क्योंकि सुबह सुबह मुझे उतना टाइम नहीं मिलता सफाई करने का, तो मैंने सोचा अभी सारी सफाई कर लेती हूँ, ताकि सुबह में मैं बस उठूँ, नहाऊँ और नाश्ता वगैरह बनाऊँगी तो नहीं, क्योंकि बहुत सुबह में निकलना है मुझे, ऑलमोस्ट 6 बजे ट्रेन है, तो 5 बजे मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो उतनी सुबह सुबह नाश्ता तो पॉसिबल है नहीं, तो देखती हूँ सुबह मैं वहाँ पर कुछ चाय वगैरह पी के निकल लूँगी और बाहर से कुछ खरीद लूँगी, ट्रेन पे ही कुछ नाश्ता वगैरह ऑर्डर करके वहीं पे खा लूँगी। आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ, माई जर्नी टू गोवा, बिकॉज दिस टाइम हर बार मैं जाती थी तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाया करती थी मुझे, पर इस बार मैं नए रूट से जा रही हूँ, यहाँ से मैंगलोर जाऊंगी पहले, फिर वहाँ से मेरी ट्रेन है, तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है मेरा कल होगा मुझे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।